हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग मतलब थोड़ा सैड है। हमारे भाई राइडर 1000 जिस नाम से चैनल था, जिनके 1 मिलियन समथिंग कुछ सब्सक्राइबर थे, और भाई उनका एक मतलब कल ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। तो भाई देखो, दुख की बात तो बहुत है भाई, सही बताऊँगा। देखो, मेरा ये फेवरेट यूट्यूबर था, मैंने भी उनकी वीडियो देखी, सही बताऊँ तो मैं उन वो गए थे राइड पे। तो राइड पे उनका ना एक्सीडेंट हो गया, और बहुत लोगों ने बताया कि उनकी मतलब मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बताया कि उनकी बाइक ना 300 पे थी, और उनके उनके पास जो कावासाकी की ZS10R, तो यार बताऊँ तो स्पीड वाली बाइक सही बताऊँ तो स्पोर्ट्स बाइक है भाई। देखो, हर किसी का सपना होता है भाई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का, हर लोंडे का सपना होता है स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का। बट यार बताऊँ, जो मैंने बाइक की हालत देखी ना उनकी, बट मुझे नहीं लगा कि वो इतनी ओवर स्पीड में थी, 300 की स्पीड में थी। क्योंकि अगर 300 की स्पीड होती ना बाइक, तो भाई वो बाइक पूरी ही ख़त्म थी, और वो बाइक बंदे को ऐसे फेंक के मारते ना तो दूर ही जाके गिरता भाई। वो बाइक बिल्कुल भी 300 के स्पीड में नहीं थी। जो लोग ऐसा अफवाह फैला रहे ना कि भाई वो 300 के स्पीड में बाइक थी और ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। और जो अगर तुम देखोगे ना बाइक का हाल, तो भाई वो बस ना आगे आगे उनका बाइक का टूटा है, पूरी बाइक ही टूटी। अगर 300 स्पीड में होती ना तो बाइक पूरी ख़त्म थी। उन्हें अपने मतलब व्यू के चक्कर में सब्सक्राइब सेक्टर में देखो, बहुत लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला ये वो। भाई देखो, साफ सी बात है भाई, वो अपने माँ बाप का अकेले लौंडा था, तो यार देखो उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब वो ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि मेरे बेटे ने 100 की स्पीड में बाइक चलाई। देखो, हाँ, हर कोई बंदा बोलता है भाई मुझे इतनी मैक्सिमम स्पीड में मुझे बाइक चलानी है, जो उस पर स्पोर्ट्स बाइक होती है भाई मैक्सिमम। भाई देखो, अगर किसी बंदे पे R15 भी आती ना, तो यार वो भी सोचता है कि भाई मैं इतने पर भगाऊंगा, बट वो तो भाई स्पोर्ट्स बाइक है, बहुत महंगी बाइक है भाई, 20 लाख की बाइक है समथिंग, और मतलब पूरी मोटिवेशन कराते भाई 22-25 में बैठ जाती है। तो यार भाई देखो, स्पोर्ट्स बाइक लिया तो भाई देखो हर कोई बंदा भगाता है। देख, मेरा भी सपना है भाई, मैं भी उस बाइक का लवर हूँ, और भाई मैंने भी जो अपना भाई है प्रो राइडर, मैंने उनकी वीडियो भाई पहली बार मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर आया। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी उनकी, यूट्यूब का रिएक्शन बनाते थे भाई, बहुत वीडियो देखी मैंने उनकी। बट देखो यार, लोंडा बहुत बढ़िया था, वीडियो सब बढ़िया बनाता था, बट यार ऐसी अफवाह मत फैलाओ कि यार 300 की स्पीड में था, उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास मतलब ऑडियो आई है ये वो। भाई देखो, साफ सी बात है, हम देखो इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, हम ना उनके अकॉर्डिंग में ना बहुत बहुत जो है छोटे हैं। वो कहाँ मिलियन में, वो कहाँ हम भाई अभी के में, मतलब मैं बताता हूँ, मैं अपना मैं के में पहुँचूँगा, अभी 1K में पहुँचूँगा। तो भाई देखो, हम ज़्यादातर जो लोग जो यूट्यूब पर चल रहा है ना, सब फेक चल रहा है भाई। पता नहीं लोग क्यों फेक वीडियो देखते जाते हैं भाई। जो अच्छी वीडियो बनाएगा ना बंदा, और जो सब रियल दिखाएगा, उसको ना बहुत कम देखेंगे बंदे, और जो फेक बनाएगा ना थोड़ा वो करेगा, तो उसके उसकी उस पर ना बहुत ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे। जब जो उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, लोगों ने ना उनकी अफवाह फैला दी, मतलब यूट्यूब पर वीडियो डाल दी भाई कि रिप 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 भाई। यहाँ तक कि ना भाई वो बंदा सही सलामत था, बस उसके 2 पाँव टूटेंगे, जैसे आपने देखा होगा भाई, उनको जो उनके फैंस देख रहे होंगे भाई, उनको सब पता होगा। बट देखो यार, लोगों ने ना उस समय इतनी हद मचा दी ना। देखो, अगर ना यूट्यूब पर कोई मतलब मोटो ब्लॉगर का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर जाता है ना, तो लोग भाई उसको इतनी गंदी तरह उछालते हैं ना यूट्यूब पर कि भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है कि भाई कि मतलब लोग सोचते हैं कि भाई देखो व्यू आए, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर आए हमारे पास, ये हो भाई देखो क्या कर लोगे भाई सब्सक्राइबर और व्यू का भाई, ठीक है, ज़्यादा पैसे कमा लोगे। उनकी अगर फैमिली में तुम्हारी वीडियो देख ली गलती से भाई, और तुमने उस वीडियो में बहुत उल्टा सीधा बोला है, तो भाई उन पर क्या गुजरेगी भाई, उनकी जो दिल से जो अंदर से जो बदवा निकलेगी भाई, वो उसका क्या होगा भाई, ये भी सोच के भाई वीडियो बना करो। बाकी यार देखो, मुझे किसी यूट्यूबर को मतलब हेट करने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं ये बोलूँगा कि भाई फेक वीडियो बनाना बंद कर दो। ये बताऊँ, आपने एक फ़ोटो देख के ना पहचान लोगे कि भाई ये 300 की स्पीड में बाइक नहीं हो सकती, ये भाई ये कम स्पीड में बाइक थी। मोटो ब्लॉगर होगा ना, वो खुद समझ जाएगा कि भाई ये 300 की स्पीड में बाइक नहीं हो सकती, क्योंकि 300 की स्पीड में बाइक होती ना तो भाई बहुत गंदी हालत होती है उस बाइक की। यार लोग ना व्यू के चक्कर में कुछ भी बोल दे रहे भाई, कुछ भी थंबनेल लगा दे रहे, कुछ भी भाई अंडरस्टैंड जो आ रहा है ना वो बोल दे रहे भाई, सही बताऊँ तो। अब मुझे पता भाई, देखो इसमें बहुत लोग अच्छे कमेंट करेंगे भाई, बहुत लोग हेट देंगे, बट देखो यार जो सच्चाई है ना उसको सच्चाई है। जब तक भाई इसका पूरा खुलासा नहीं हो जाता कि कैसे हुआ एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ, तो भाई प्लीज़ यार बताओ ऐसे तुम मत चलाओ, क्योंकि यार देखो उनकी फैमिली पर क्या गुजर जाएगी भाई। वो भाई देखो, सब बहुत लोग भाई अपने माँ बाप के अकेले लौंडे होते हैं, ठीक है, मैं भी भाई अपने माँ बाप के लगे अकेले लौंडा हूँ। जब भाई मेरे साथ ऐसा होता भाई, मेरे माँ बाप पर क्या होते, अगर आपके साथ होता ऐसे तो आपके माँ बाप पर क्या गुजर, बंदे ने भी क्या क्या सपने देखेंगे कि भाई मुझे अभी आगे ये करना वो करना है।
तो इसलिए भाई देखो फेक वीडियो मत बनाओ, व्यू के चक्कर में मत जाओ। मैं सही बताऊँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, मैं जब ब्लॉग बनाता हूँ जब मेरे पे कंटेंट होता है, मैंने ये मेरे चैनल पे ना ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो प्रोराइडर, क्योंकि भाई देखो तुम मेरे हिसाब से ना फैंस ही मान लो कि भाई मैं उनका फैन था। तो भाई अब जो उनके फैंस देख रहे हो ना, उन पर क्या गुजर रहेगी भाई, उस बंदे ने कितनी मेहनत करी भाई, जीरो से मिलियन पर भाई, बहुत बंदे ना के पे लाने में ना हालत टाइट हो जाती है सही बताऊँ तो मैं, क्योंकि यार देखो यूट्यूब पे जनता कमानी ना बहुत मुश्किल होती है भाई, अपनी जनता कमाओ व्यू तो आ जाएंगे भाई सही बताऊँ तो, व्यू सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं, बस खाली भाई देखो जो सच्चाई होती है ना वो बोलो,